तो हाँ भाई, मेरे जिगर के छल्लों सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम नमस्ते, जय श्री राम। तो भाई आज मैं अपने YouTube चैनल की शुरुआत करने की मैंने सोच ली है फाइनली, और काफ़ी ज़्यादा सोच समझने के बाद मैंने ये फ़ैसला लिया है। और ज़िंदगी बड़ी बोर हो रही थी इसलिए मैंने ये फैसला लिया, क्योंकि मैं तंग आ गया था 9 to 5 की रेस से, रेट रेस से मैं तंग आ गया था। इसलिए मैंने फैसला लिया कि मैं ट्रैवलिंग चैनल बनाऊंगा और उस पर ट्रैवलिंग व्लॉग्स ब्लॉग शूट करूंगा। तो भाई सामने चच्चा आ रहे हैं, एक सेकंड। तो भाई काफ़ी ज़्यादा ज़िंदगी से बोर होने के बाद इस चीज़ का फ़ैसला लिया है कि आप लोगों को थोड़ा सा घुमाया फिरा जाए, दुनियादारी दिखाई जाए, थोड़ा सा नेचर से प्यार करके दिखाया जाए। ये नेचर आप देख रहे हो कितना प्यारा लग रहा है सारा सिस्टम। तो कुछ इसी तरीके से ट्रैवलिंग व्लॉग्स हमारे को बनाने हैं। ये तो सिर्फ एक पार्क है, पार्क का नहीं बनाना है, मतलब हम गोवा जाएंगे, जयपुर जाएंगे, नागपुर जाएंगे, तमिलनाडु जाएंगे, चेन्नई जाएंगे, कन्याकुमारी जाएंगे, हैदराबाद जाएंगे, फरीदाबाद जाएंगे, और भैया हरिद्वार जाएंगे, केदारनाथ जाएंगे, बद्रीनाथ जाएंगे, कैलाशनाथ भी चले जाएंगे, जहाँ तक जाया जाएगा वहाँ तक जाएंगे। और जितनी प्यारी प्यारी चीज़ें, जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी, उतना अच्छा आपको एक्सपीरियंस देने की कोशिश करेंगे। तो रैट रेस से निकलने के लिए भैया बहुत कुछ करना पड़ता है, इतना आसान नहीं है। तो मैं भी एक ट्राई कर रहा हूँ, शायद कामयाबी तो आप लोगों के हाथ में डिपेंड करती है कि आप लोगों को मुझे कामयाब करना है नहीं करना। और वो मेरी कामयाबी वो आपके प्यार पे डिपेंड करती है कि आप मुझे कितना प्यार करते हो। और आपका प्यार जो है वो सब्सक्राइब बटन से दिखेगा, जितनी ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर्स होंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का प्यार होगा मेरे साथ। दिल है री बबुआ। तो भैया बस आप लोगों के प्यार की ज़रूरत है अपने चैनल को डेवलप करने के लिए, इस पर एड्स चाहिए मुझे। तो एक कॉन्सेप्ट है मेरे पास, जब मेरे पास सब्सक्राइबर्स मेरे बढ़ जाएंगे, काफ़ी सारे हो जाएंगे, और मेरे पास एक इनकम सोर्स, एक पैसिव इनकम सोर्स आना शुरू हो जाएगा, तो उस पैसे को, उस जो मेरी कैपिटल जनरेट होगी, उससे मैं आप लोगों को भी ट्रैवल कराऊंगा अपने साथ। मैं लकी ड्रॉज निकाल लूँगा, या जो रैंडमली मेरे कमेंट बॉक्स में लोग हैं उन्हीं से मैं कुछ लोगों को निकाल लूँगा और अपने साथ ट्रैवल करने के लिए इंस्पायर करूँगा। और उनका जो भी बजट होगा ट्रैवलिंग का, वो सब मैं पे करूँगा, उनका आने से लेके जाने तक का सब कुछ, ठीक है। तो कुछ इस तरह का मेरे पास कॉन्सेप्ट है मेरे ट्रैवलिंग चैनल के लिए, क्योंकि कोई भी यूट्यूबर ये सब सोचता नहीं है, सब लोग अपना ट्रैवल करके आ जाते हैं, घूम के आ जाते हैं, कोई किसी के लिए सोचता नहीं है। तो मैंने सोचा है कि मैं अपने जो भी सब्सक्राइबर्स होंगे, मेरे प्यारे प्यारे मेरे जो व्यूअर्स होंगे, उनको मुझे घुमाना है अपने साथ, नए नए दोस्त बनाने हैं। तो मैं अपने इस चैनल में क्या रखने वाला हूँ, मैं अपने इस चैनल में ट्रैवलिंग से रिलेटेड जितने भी व्लॉग्स हैं वो रखूँगा, ठीक है। और फूड व्लॉग, जो मतलब पॉपुलर फूड शॉप्स हैं, ठीक है, आपके शहर में, सिटी में, कहीं भी जहाँ भी हम जाएंगे, जो भी वहाँ का पॉपुलर रहेगा फूड, फूड कॉन्सेप्ट जो भी है, या वहाँ की स्पेशलिटी क्या रहेगी, उस स्पेशलिटी को मैं दिखाने की कोशिश करूँगा आप सभी लोगों को। और फिर किसी एरिया में हम जा रहे हैं ट्रैवल करने के लिए, कब जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, क्या क्या आपके पास होना चाहिए, और कौन सा मौसम सही रहेगा, वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ का फूड स्पेशलिटी क्या है, वहाँ की ड्रेसिंग कल्चर क्या है, वहाँ का पॉलिटिकल एजेंडा क्या है, पॉलिटिकल व्यू क्या है, लोगों की सोच क्या है, बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है वहाँ पर, वो सब मैं उसमें कवर करूँगा। ताई बुला रही है, काओ काओ। तो भाई बस मेरे को आप लोगों का प्यार चाहिए, ठीक है। पब्लिक आ रही है, घूम रही है, सब लोग देखो आप लोग भी। तो ये सब जो मैं निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये 18-20 हज़ार रुपये की जो नौकरी है उससे मेरा दिल भर चुका है गुलामियाँ कर करके। तो इस गुलामी से मैं निकलना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल निकाला है, बनाया है, और मैंने आप सबको बता ही दिया है कि जो भी मेरे पास इससे अर्निंग होगी, उस अर्निंग से मैं आप लोगों को भी घुमाऊंगा, फिराऊंगा, और जितना अच्छा होगा मैं करूंगा। तो बस आप लोगों का प्यार चाहिए, जो कि जो है सब्सक्राइब्स के रूप में ही निकलेगा, जो आप सब्सक्राइब करोगे वही मेरे लिए प्यार रहेगा आप लोगों का।
यार अब शर्म सी आ रही है, लोग आ रहे हैं धीरे धीरे, ज़्यादा शाम का टाइम हो गया ना इसलिए।